स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं बात कर रहा हूँ, आई एम फार्मासिस्ट अजीत सिंह बादल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ऐसी दवाई के बारे में जो ऑपरेशन के बाद होने वाली यूज होने वाली दवाई है, जो आपकी आंखों में सूजन वगैरह इस तरह की दवाई होगी, वो दवाई है कैसी, नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन है वो, जिसमें स्टेरॉयड है और थोड़ा जो कैसे कर सकते हैं इसका मैं बताने जा रहा हूँ। इस दवाई का नाम है नेपाफिनैप। इसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने के बाद या कह सकते हैं आपका नाखून होता उसके ऑपरेशन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या इस दवाई में मिश्रण है, कितनी कितनी इसकी डोज है, मैं सब आपको अभी बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और बता सकते हैं आप। चलो तो मैं बता रहा हूँ, इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल कि गर्भवती महिला नहीं कर सकती, जैसे एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, आइब्रूफेन, इन दवाइयों से अगर किसी को एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए, तभी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई के इस्तेमाल से आपकी सूजन को कम हो जाएगी और दर्द भी कम महसूस हो जाएगा। और जो डाइक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक वाले या फिर एस्पिरिन वाले जो पेशेंट हैं वो उनकी समस्या बढ़ जाएगी, यानी कि और ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाएगी। अब चलो आगे बात करते हैं हमें किस तरीके से डोज लेनी है। उसमें 0.1 ml अगर आपको एलर्जी है तो अगर आप कैसे ले सकते हैं, 0.1 एक ड्रॉप यानी 1 ml दवाई दिन में 3 बार लेनी होगी आपको, बूंद बूंद करके, और दवाई आराम से डालें, आराम पर। अगर आपको सन सूरज में दिक्कत है तो आप सन ग्लासेज लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर बाहर अपनी आँख को कतई भी छुए नहीं, बार बार जैसे आपको रगड़ना है, दिक्कत आती है, इस तरीके की कंडीशन ना करें, जिससे कि आपकी दवाई आसानी से आपकी आंखों में डल जाएगी। अगर आपको दवाई डालनी है तो आप पीछे हल्का सा सर झुकाएं, और झुकाने के बाद निचले वाले हिस्से में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखना, निचले वाले हिस्से में आसानी से दवाई को डाल दें, जिससे आँख को बिल्कुल नहीं छुए। और ऑपरेशन के बाद आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मधुमेह वाला या इस तरीके की कंडीशन वाला बहुत कम डॉक्टर से ही संपर्क करें। अगर आपको वैसे ही सूजन है, नॉर्मल है, आपको दिक्कत है, तो इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नया